सीधी और साठ बात में हम दिल्ली के विमानतल जो होता है एरोडैम कहते हैं उस चौराहे पे खड़े हैं और वहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम ये सोचते हैं कि दिल्ली का समाज जीवन बहुत अलग होगा, दौड़ धूप जरूर रहती है, गाड़ियाँ इधर उधर जाती रहती है, लेकिन ये दिल्ली का विमानतल है जहाँ विमान उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। ऐसे चौक पे मैं खड़ा होके, ये दिल्ली मेट्रो की लाइन वहीं से गई है, ऐसी जगह खड़ा होके यह वीडियो फिल्मांकन कर रहा हूँ। तो जैसे अपने छोटे गांव खेड़ों में जो जिला स्तर का होता है वहाँ पे जैसा समाज जीवन वैसा होता है, उसी प्रकार दिल्ली यानी सिर्फ हाई फाई और अमीर लोगों की घरदार घूमना होता नहीं है। अनेक सुविधा अनसुविधा की वजह से यहाँ पे दिल्ली में उसके नज़दीक के राज्यों में यूपी हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा के लोग आके रहते हैं और उन सब लोगों के पास में घर मकान सोने की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में वहाँ वो खुद के लिए अलग तरीके से निवारा ढूंढते रहते हैं। तो उस कारण दिल्ली का जो समाज जीवन है हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट पे जिला स्तर पर जिस प्रकार के कार्यविधि समाज में होती है, खरीदी के लिए लो खाना खाओ, फुटपाथ पे होटल खाओ, उसी प्रकार दिल्ली शहर में भी समाज जीवन रहा करता है। इस बरसात में मैं वहाँ दिल्ली में एयरपोर्ट चौक पे फ्लाईओवर के नीचे खड़ा रह के ये वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो में बरसात में दिल्ली के बारे में सुनते हो कि बहुत सारी बरसात आने के बाद आईटीओ बंद हो जाता है और जिधर उधर उसी प्रकार वहाँ जा सीमेंट का जाल है। ये देखिए उन बाहर से आए लोगों के लिए, ऑटो वालों के लिए खाना पकाने के लिए और ब्रिज के नीचे ही खाना नाश्ता पानी की व्यवस्था हो जाती है। और आम जिले में रहते हैं उसी प्रकार भारत देश की राजधानी दिल्ली में भी वो सुविधा परिस्थिति अनुसार जिन लोगों की परिस्थिति जिस हाल में होगी उसी स्थिति अनुसार उन्हें रहने खाने की सुविधा मिल जाती है। दिल्ली में अगर खाना खाना है तो 15 रुपये थाली मिलेगा, ये हम सोच नहीं सकते क्योंकि हमारे गांव खेड़े में भी 15 रुपये में खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ मिल जाता है। तो जिनकी जैसी गरज